यार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पे तो मेरा दिल ही आ गया। अब मुझे ऐसा मन कर रहा है मैं सारी पेंटिंग छोड़ के सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करूँ, वो भी एकदम यूनिक वे में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एकदम यूनिक वे, यार ये इतना सेटिस्फाइंग है, आप सभी से ज़रूर से ट्राई करना मेरी मानो तो। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्केल के हेल्प से आज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करूँगी। वाओ ये पार्ट कितना सेटिस्फाइंग थी मैं आपको बता नहीं सकती, आप इसे खुद ट्राई करना तो आपको फीलिंग आएगी। एकदम सच बताना कि आपने अपने लाइफ में अब तक रेनबो देखा है रियल वाला, वीडियो में नहीं। मैं आपको बताऊँ ना तो मैंने रियल में एक बार रेनबो देखा था जब मैं बहुत छोटी सी थी, एक बार बारिश हो रही थी उसके बाद से फौरन से धूप निकलती ना फिर मैंने रेनबो देखा। आज नियॉन कलर से एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनाएंगे, तो पहले तो कुछ ट्रिक कर लेते हैं यार। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे नियॉन पिंक, नियॉन येलो एंड नियॉन ग्रीन को मिक्स करूंगी एंड देखते कौन सा शेड बनता है, और फिर उस हिसाब से हम लोग अपनी सोचेंगे कि क्या इस पर पेंटिंग बनाएंगे। तो यार यहाँ पे तो ब्राउन कलर रेडी हो गया, चलिए इस पर एक ब्यूटीफुल सिर्फ फ्लावर पेंटिंग करेंगी। इसी बात पे बताना कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है। मेरा फेवरेट फ्लावर ना पिंक रोज है। नेक्स्ट मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सी ट्रिकिंग पेंटिंग देखना है, तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर से लेकर आ जाऊंगी। वैसे अगर आपको आज की ब्यूटीफुल सी पेंटिंग पसंद आएगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरे चैनल को शेयर करना एंड उनसे सब्सक्राइब करने को बोलना। एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो प्लीज कर लेना। वाओ यहाँ पे तो हम लोग ने नियॉन कलर से कितनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग रेडी कर ली है। मुझे तो शुरू में लग रहा था हम लोग कुछ और ही करने वाले, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेंटिंग रेडी कर ली है। इसी बात पे वीडियो को लाइक करके जाना। बाय।